तो दोस्तों ये है मेरे साथ में टीवीएस जुपिटर 110 सीसी, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पहले भी बात कर रखी थी, बट हमने प्रॉपर डिटेल में इस स्कूटर के बारे में बात नहीं की थी, जो कि मैं आज इस स्कूटर को लेकर आ चुका हूँ, जिसमें कि आपको सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, कितने प्राइसिंग पे ये लॉन्च हुआ है और कितनी प्राइसिंग इस स्कूटर में आने वाली है, सारी डिटेल दूंगा। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस स्कूटर से रिलेटेड आप कोई जानकारी मिस ना कर पाए, क्योंकि टीवीएस ने जुपिटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपडेट कर दी, बहुत सारे फीचर्स एडवांस दे दिए हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप पसंद करते हो ऐसी वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक और फ्रंट डिजाइन से। तो सबसे पहले फ्रंट लाइट और फ्रंट डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप नजर आने वाला है इसके फ्रंट में, और जो होगा फुली एलईडी नजर आएगा। बाकी यहां पर आपको देखोगे तो कनेक्टेड डीआरएल यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो कि लुक जो है ना बहुत ज्यादा बढ़िया निकाल के आता है। और यहाँ पर आपको जो जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको एलईडी ही नजर आने वाले हैं, जो कि इसके डीआरएल के अंदर ही इनबिल्ट होंगे, और जब हम इनको इंडिकेटर्स को बंद करके रखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इंडिकेटर जो है वो किस जगह पे प्लेसिंग रखे गए हैं। इसको एक बार ऑफ कर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हैजार्ड जैसा फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। बाकी यहाँ देखोगे फ्रंट का जो लुक्स है कुछ इस तरीके का रखा गया है। यहाँ आप देखोगे टीवीएस का जो जो लोगो है वो ये है, वो फ्रंट में दिया गया है। ओल्ड जुपिटर में आपको यहाँ टीवीएस की बैजिंग नजर आती थी, बट यहाँ ये हॉर्स वाला खाली स्टिकर लगा के आगे किया गया है। बाकी यहाँ देखोगे यहाँ आपको फ्रंट के अंदर 12 इंच का अलॉय व्हील और 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क भी देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में, और यहाँ आप देखोगे पेट्रोल डिस्क देखने के लिए मिल जाता है इस तरह। बाकी ब्रेकिंग जो है वो नो डाउट काफ़ी अच्छी निकल के आने वाली है। बाकी आप देखोगे फ्रंट फेंडर जो है वो मेटल क्वालिटी के साथ में निकल के आता है, बाकी बिल्ड क्वालिटी जो है नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी है, और कंपनी ने टीवीएस जुपिटर 110 सीसी के अंदर बहुत बढ़िया वर्क किया है। बाकी आप देख सकते हो फ्रंट का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। अभी हम चलते हैं साइड में, तो साइड में सबसे पहले हमें साइड व्यू नजर आएगा, और यहाँ पर आप देखोगे 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी है स्कूटर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अच्छी है ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी यहाँ देखोगे फुट स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़र आ जाता है, काफ़ी इजीली कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। बाकी यहाँ पर फ्रंट में आपको एक बकेट देखने को मिलेगी, यूएसबी पोर्ट देखने मिल जाता है जिसमें आप अपनी डाटा के भी लगा के फ़ोन चार्ज कर सकते हो। की सेटअप है, यहीं से आप जो इसका बूट स्पेस है यहीं से ओपन कर सकते हो, मतलब कि आपको ये की निकाल के किसी और जगह नहीं लगानी है। बाकी फ्यूल टैंक जो है वो भी आप इसी जगह से ओपन कर सकते हो, जो कि सेम ही फ्रंट में आगे की तरफ प्लेसिंग की गई है। 5.1 लीटर का ये फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यहीं से ये फ्यूल लिड जो है वो ओपन हो जाएगा। बाकी एक बार इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखा देते हैं। बूट स्पेस जो है वो अभी तक जो ये वाला बूट स्पेस है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा वो सिर्फ 125 सीसी के अंदर स्कूटर जो आता है अपना जुपिटर में टॉप मॉडल 125 सीसी उसमें ही देखने मिलता था, बट अभी टीवीएस ने क्या किया है 110 में ही सेम ही बूट स्पेस ऑफर कर दिया। हालांकि ये दोनों स्कूटर जो हैं वो दोनों सेम ही चेसी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, तो ये चीज़ें सिमिलर सी बन जाती हैं। अभी आ जाते हैं हम रेयर लुक पर, तो रेयर लुक में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये एग्जॉस्ट जो है वो आपको कॉम्पैक्ट साइज का देखने मिलेगा और पहले की तरह ही नजर आने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ देखो जुपिटर की बैजिंग है, कहीं भी इस स्कूटर पे आपको 110 की बैजिंग नहीं मिलेगी, ओनली जुपिटर कह के इसको प्रोनाउंस किया गया है। अगर इसके टॉप मॉडल जुपिटर के 125 में जाते हो तो वहां 125 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि हमें समझ आता है कि 125 सीसी के अंदर आता है। बाकी आप देखोगे ग्रैब हैंडल जो है वो कुछ इस तरीके का देखने का मिलता है, बाकी टेल लाइट जो है वो आपको बाकी टेल लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अच्छी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। ऑन कर लेते हैं, आप देखोगे कनेक्टेड डीआरएल के साथ में फुल एलईडी टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है और देखने में बहुत ज़्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर फील आता है। बाकी रेयर के अंदर टीवीएस की बैजिंग करी गई है। बाकी रेयर लुक देखोगे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, सेम ही अलॉय व्हील 12 इंच का देखने मिलेगा, 90x90 का आपको फ्रंट रेयर का ट्यूबलेस टायर देखने मिलेगा। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इंजन आपको 113 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व मिक्स फेज 2 इंजन देखने को मिलेगा, जो जनरेट करेगा 7.91 PS की पावर एंड 9.8 Nm का टॉर्क। पावर फिगर जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर सा नजर आने वाला है, 125 सीसी से आपको ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर ये पावर जो है बहुत ज्यादा अच्छी कैरी करता है। बाकी यहाँ देखोगे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर कुछ फीचर्स जो है ना वो एडवांस दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला फीचर है इसके अंदर आपको मिलेगी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको
किन चीजों में मदद करेगी? एक तो आपको इंजन पावर थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी फील आएगी, इंजन रिफाइनमेंट थोड़ा सा बेटर फील आएगा, और यहाँ पर ये स्कूटर आपको माइलेज थोड़ा सा बेटर दे सकता है। मतलब कि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो इंजन को पावर देने में काम करेगी, जिससे कि क्या रहेगा, आपकी फ्यूल कंज्यूमशन कम होगी वहां, उस कंडीशन में ये माइलेज जो है वो थोड़ा सा एडवांस और अच्छा खासा देगा। बाकी यहाँ पर आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट भी देखने के लिए मिलेगा इस स्कूटर के अंदर, जो कि काफी अच्छी चीज है। यदि आप इस स्कूटर को 50 से स्पीड से ज्यादा चला रहे हो और इमरजेंसी में इसके ब्रेक्स लगाते हो, देन उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो DRL है, इसके जो इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि आप देखोगे तो वो चारों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक करेंगे, जो कि काफी अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी सीट की, तो यहाँ सीट जो है वो काफी अच्छी है, एक काफी लंबी चौड़ी सीट यहाँ देखने को मिल जाती है। 2 से 3 लोग आराम से इस स्कूटर पर बैठ जाते हैं, काफी बढ़िया है, स्कूटर निकल के आ जाता है। बाकी बात कर लूँ मैं इसके मीटर की, तो यहाँ आपको देखने मिलेगा एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर पहले तो सारे जो ब्लिंकर्स हैं वो वही नजर आने वाले हैं, मतलब कि जो जिन जिन चीजों की जरूरत होगी ये सारे मिलेंगे। फ्यूल ऑप्शन देखने मिलेगा यहाँ पर, ट्रिप मीटर देखने मिल जाता है, बाकी यहाँ पर इको पावर मोड देखने मिलेगा, और इंजन लाइट, टर्न इंडिकेटर जैसे सारे मिलकर साइड में नजर आते ही हैं। खास बात यह है इसके अंदर मिलेगा आपको कनेक्टिविटी, जिसमें कि आप कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स भी देख सकते हो, मतलब कि काफी अच्छी चीजों के साथ में स्कूटर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज निकल के आती है। बाकी यहाँ पर जो फीचर एडवांस जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, इसके अंदर आपको एडवांस फीचर्स क्या क्या देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इस स्कूटर की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग काफी अच्छा निकल के आएगा इस स्कूटर के, जो कि है 75,000 एक्स शोरूम स्टार्ट, और अगर बात करी जाए टॉप टॉप एंड की, तो ये आपको 88,000 एक्स शोरूम टॉप तक जाता हुआ नजर आएगा। 75,000 से शुरू होकर 88,000 तक ये टॉप एंड वेरिएंट तक जाएगा। अगर आप एक ऐसा स्कूटर लेना चाहते हो तो आपके जो आपको फैमिली पर्पज के लिए बेटर हो, और लुक भी आपको थोड़ा बहुत स्पोर्टी नजर आए, और काफी अच्छे फीचर्स निकल के आए, तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी TVS का जुपिटर 110 CC कैसा होने वाला है 125 CC के साथ में, उससे रिलेटेड भी हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, आप एक बार उससे भी कंपेयर जाके देख सकते हो। और हमने ऑलरेडी इस स्कूटर पे काफी काफी सारे वीडियोस कर रखे हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको उससे रिलेटेड और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमारे चैनल पर जरूर मिलेंगे। और फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।